स्केटिंग का आनंद उठाते हुए। ये देखिए यहाँ बच्चों ने काफी अच्छी खासा बर्फ भी उठाई है। ये देखिए तो इस जो यहाँ पे ये जो जो ये आइस का जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बताया गया है। दिल्ली से जो टेक्निकल टीम आई थी इंडियन आइस स्केटिंग की, देख सकते हैं आप पूरे इस तरफ। और यहाँ पे हमारे भाई लोग सारे करते हुए, यहाँ पे हैं एक कुछ मुझे यहाँ लड़के मिले हैं नाको के, तो यहाँ पे बड़े नाको के कुछ लोग कहाँ जा रहे हैं? बंद कर रहे हैं। रखो हाँ, दोनों खेलना था यार, दो रख दो। तुम दोनों खेलो, खेलने तो ना उसके बाद छोड़ नहीं जाना है। ये वाला तो पूरा तो यहाँ जो ये शूज प्रदान किए हैं एचबीएस स्केटिंग ने। मैंने क्या बोला आपको, दो लॉन्ग का पेयर निकालना। लॉन्ग कहाँ लिखा होता है साइज? इसको पता नहीं है साइज कहाँ लिखा होता है। लॉन्ग निकालते हैं, बताना उन्होंने इनको साइज कहाँ लिखा होता है, बता इसको। तो ये एचबीआई स्केटिंग एसोसिएशन प्रदीप कंवर के द्वारा यहाँ पे स्केट्स प्रदान किया गया हमें। ओ एम लिखा हुआ है, जैसे इसमें एस लिखा हुआ है ना, इसमें एम लिखा होगा। एम मतलब मीडियम। गणेश इधर आओ, तो इधर आओ। कितने दिन से कर रहे हो स्केटिंग? तीन दिन से। अच्छा तो कितने दिन में सीखा आपने इसको ढंग से चलाना? तीसरे दिन में सीखा। अच्छा अभी फिर ये दोनों कब से आए? तो इनको सिखाना ठीक है आपने। क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है? नोनो इधर आओ। नाम क्या आपका? अर्णव शर्मा। और आपका नाम? सुरेश शर्मा। हाँ जी, सुरेश भाई। अच्छा ठीक है, इन दोनों को सिखाओ। अर्णव यहाँ आ जाओ, आप बताओ आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप आनंद है, मैंने यही नागो गांव से हूँ। अच्छा तो कितने दिन हो गए आपको स्केटिंग करते हुए? तो लगभग तीन दिन, मैक्सिमम तीन दिन लगे टेक्निक पता होने तक। बाकी बस जब स्टार्टिंग में सर लोग आए थे उनने अच्छा टेक्निक बताए थे। तो अभी मतलब आपको लगता है कि आपने पहले से काफी अच्छा सीख लिया है? जी बहुत ही अच्छा, पहले से तो आजकल तो बिल्कुल ही मजा आ रहा है मेरे को काफी। ठीक है इसी से मेरे तो मन डेली आने का है। ओके देखिए आइस स्केटिंग स्पोर्ट्स।